हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं श्रीनगर जो कि कश्मीर में है। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे डल लेक के ऊपर और नज़ारा काफ़ी यहाँ पे शानदार है। और अभी तो खैर पहाड़ दिख नहीं रहे हैं, काफ़ी फॉग है यहाँ पे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी झील है। ये जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी पानी नज़र आ रहा है और चारों तरफ लाइन से हाउस बोट्स लगी हुई हैं। श्रीनगर आए हैं तो डल लेक में हाउस बोट का एक्सपीरियंस तो बनता ही है। यहाँ का नाइट व्यू बहुत ही अच्छा है इस हाउस बोट से। और ये जो हाउस बोट है ये काफ़ी रॉयल लुक दे रहा है। हाउस बोट बेसिकली फोर सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बाहर से डल लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में आपका नॉर्मल रिसेप्शन एरिया है एंड देन उसके बाद में आपका शुरू होता है डाइनिंग एरिया। जो डाइनिंग एरिया है वो भी अपने आप में काफ़ी रॉयल लग रहा है और यहाँ बैठ के खाने का काफ़ी मज़ा आने वाला है। और डाइनिंग एरिया के बाद में आपके रूम्स स्टार्ट हो जाते हैं। रूम्स बेसिकली यहाँ पे तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जो हमने रूम लिया था वो हमने एक डीलक्स रूम लिया है जिसमें कि तीन बेड्स अवेलेबल हैं। आइए आपको रूम भी दिखाते हैं कैसा है। तो रूम भी काफ़ी डिसेंट है, जिस प्राइस में हमें ये हाउस बोट मिला है काफ़ी डिसेंट रूम मिला है। हाउस बोट का जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। तो जी ऑटो कर लिए अभी हमने यहाँ पे और तीन चार गार्डन्स हैं यहाँ पे, वही घूमने की प्लानिंग है। और डल झील के सारे साथ साथ में एक रोड जा रही है उसी पे चल रहे हैं। और जो कदम से जितने भी मैंने वीडियोस देखे अभी तक डल झील के, जो आप वीडियो के अंदर देखते हो ना वो बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो डल झील को। मतलब इतनी शानदार लेक है, मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट कह सकता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल लेक अगर कहा जाए तो जो मैंने अभी तक देखी है। लंच करने के बाद में अपने हाउस बोट से निकल के हम आ चुके हैं श्रीनगर के सबसे पहले टूरिस्ट स्पॉट, इसका नाम है चश्मे शाही बाग। और जैसा कि हमें बताया गया है कि ये काफ़ी सुंदर बाग है, तो आइए देखते हैं कि वास्तव में क्या ये इतना सुंदर है। तो दो टिकट हमने ले लिए इसके चश्मे शाही बाग की। एक टिकट की कॉस्ट है 24 रुपीज़। मतलब इतने सारे कलर्स एक ही फ्रेम में देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और ऊपर से वेदर इतना शानदार है कि जो कलर्स हैं वो खिल के आ रहे हैं। मतलब और जो आंखें देख पा रही हैं वो शायद ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। शाही बाग के बाद में हम आ चुके हैं बॉटनिकल गार्डन। ये भी एक ही रूट पे पड़ता है, जिस रूट पे हमारा चश्मे शाही बाग है उसी रूट पे हमारा बॉटनिकल गार्डन पड़ता है। और देखने में तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है, आइए देखते हैं कैसा है अंदर से।
वी हैव कवर्ड टुडे। हां गेट ओपन। इस गार्डन में अभी अंदर की तरफ से तो देखने में मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा बाकी दो गार्डन्स के कंपैरिजन में, लेकिन एक जो अच्छी बात है कि इसके सामने डल लेक है, तो जो यहाँ से डल लेक का जो व्यू आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। गार्डन घूमने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम डल लेक घूमने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे हमने जो शिकारा बुक किया है वो एक्चुअली में दो टाइप के शिकारा बुक होते हैं यहाँ पे। एक होता है आपका आवर्ली बेसिस के ऊपर और दूसरा होता है आपका लॉन्ग रूट के बेसिस के ऊपर, यानी कि वो आपको मल्टीपल पॉइंट्स घुमाएंगे यहाँ पे और उन पॉइंट्स पे आप चाहे मर्जी जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो हमने ये प्लान किया कि जैसे अभी हम 6 बजे यहाँ से चले हैं तो हमने प्लान किया कि लगभग 8:30 बजे तक हम स्टे करें। देख सकते हो कि जैसे हम शिकारा में चल रहे हैं तो साइड में बहुत सारे जो फ्लोटिंग एक तरीके से आप शॉप्स कह सकते हो, वो लोग आपके पास में आएंगे, आपको ऑफ़र करेंगे कि चाय ले लो, कावा ले लो या इवन बारबेक्यू तक मतलब ऑफ़र कर रहे हैं आपको। तो ये भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। फर्स्ट पॉइंट आया है वो है नेहरू पार्क, जो कि डल लेक के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी खाने पीने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप चाहो तो यहाँ बैठ के अपना इवनिंग स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फीलिंग है इस पार्क के अंदर आने पे। ये है मीरा मार्केट, यहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। रात के टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है मार्केट देखने के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई सारी शॉप्स हैं, कई आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी के साथ में डे वन हमारा यहीं पे एंड होता है और हमारे हाउस बोट के अंदर बहुत ही प्यारा सेटअप किया हुआ है।
चारों तरफ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हाउस बोट्स नज़र आ रही हैं। सबने सबकी जो लाइट्स है, उनका जो वाटर के अंदर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो देखने में मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने को मिले और कश्मीर सीरीज़ के आगे और भी एपिसोड्स आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये और भी ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच सकें और थोड़ा सा हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिले इससे।